हेलो दोस्तों, जीके के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। तो दोस्तों, जीके के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज की जो जीके के क्वेश्चन हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आज का है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है। तो दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता थे उनकी जो मुद्रा थी उसमें जो है किसके चित्र मिलते थे, वो सबसे पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो दोस्तों, इनमें से सही ऑप्शन यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो जिस देवता के संतुल चित्र थे वो थे आद्य शिव, यानी शिव भगवान की जो थे वो उनकी मूर्ति थी उसमें। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो दोस्तों, आपका जो हड़प्पा कालीन सबसे गुजरात में कौन सा स्थल था, वो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी इसका है बड़ावली, ऑप्शन डी इसका है लोथल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यदि आपको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन का जो स्थल था वो गुजरात में स्थित था, सबसे जो इसमें ऑप्शन है सही ऑप्शन है वो लोथल था। लोथल जो था वो ये गुजरात में स्थित था। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम वो क्या था, सबसे पहला इसका ऑप्शन है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी है कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला, ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो दोस्तों, यदि आपको पता है इसका सही जवाब कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें, जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो मृतकों का टीला नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, आप लोग को यदि पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी है लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी है मोहन जोदड़ो की सभ्यता। तो दोस्तों, जो हड़प्पा की सभ्यता का प्रचलित नाम था वो सिंधु घाटी की सभ्यता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस पशु का जो है उत्कीर्णन हुआ था इसमें सैदो स्थलों उत्खनन में। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है आपका सी नंबर का सही है, बैल का जो है इसमें उत्कीर्णन हुआ था। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की किसके लिए जानी जाती है, सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो आपका है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी है मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी है अपने उद्योग के लिए। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों, यदि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहला इसका ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थान है भारत में स्थित है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें, सिंधु सभ्यता का जो स्थान था वो लोथल जो था भारत में स्थित था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो दोस्तों, भारत में जो सबसे पहला पुराना खोजा गया शहर कौन था, ऑप्शन है इसके हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है इसका सिंध। तो दोस्तों, यदि आपको पता है इसका सही जवाब तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि भारत में जो पहला और पुराना शहर था खोजा गया था वो था हड़प्पा शहर जो है ये भारत में खोजा गया था। तो दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है।
अब बात कर लेते हैं नया जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? अब पहला ऑप्शन है इसका हड़प्पा संस्कृति में, अब संस्कृति में ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण में, संस्कृति में ऑप्शन सी है इसका वैदिक संस्थाओं में, ऑप्शन डी है इसका चांदी के आहत मुद्राओं में। तो दोस्तों यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, यदि नहीं बता दे पता है तो हम आपको बता दें कि इसका जो उपलब्धता मिलती थी प्राचीनतम में वो हड़प्पा संस्कृति में मिलती थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आप लोग को यदि पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि नहीं पता है तो हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहला आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी था, ऑप्शन सी है मारुति देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन सी है डी इसका है लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थी, ये ऑप्शन जो है इसके लिए असत्य है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में जो ये कथन है कि ये कथन सही है कि ये लोग लोहे से परिचित थे, ये ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में कौन सा रंग उपयोग किया हुआ था। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है लाल रंग, ऑप्शन बी है नीला रंग, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला रंग। तो दोस्तों यदि इसका सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में जो सामान्यतः रंग का उपयोग किया गया था वो लाल रंग था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला है ऑप्शन ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन डी है इसका आद्य ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों यदि इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें इसका सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक काल में जो है इसका जो युग पड़ता था। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो दोस्तों कुएं के अवशेष कब मिले? सबसे पहला ऑप्शन है इसका हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी हमारा है जो इसमें मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो निम्नलिखित अवशेष कुएं के मिले थे घरों में वो थे मोहनजोदड़ो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन है? तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है इसका दयाराम सैनी एवं राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी है इसका जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है इसका आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगानाथ रिया राव, ऑप्शन डी है इसका मधोस्वरूप वत्स एवं वी राव। तो दोस्तों यदि इसका सही जवाब यदि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो वैज्ञानिकों जो दो भारतीय का नाम थे वो कौन से? तो दोस्तों सबसे पहला इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दयाराम सैनी एवं राखा लाल दास जो थे ये दोनों भारतीय नाम जुड़े थे। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सबसे पहला ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही जवाब यदि आपको पता है कि रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहाँ थी, यदि नहीं पता तो हम बता दें आपको, रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में स्थित थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर
सी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजादड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल टाड। तो दोस्तों इसका सही जवाब, यदि आपको पता है कि हड़प्पा एवं मोहनजादड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि नहीं पता तो हम आपको बता दें कि सर जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा एवं मोहनजादड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो सबसे पहला ऑप्शन है घोड़ा, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बैल जो था। इसके कारण इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का इनके में व्यापारिक संबंध था, ये बैल के चिन्ह के आधार पर प्रदर्शित होता है। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? सबसे पहला आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी है कर्म कांड में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी है मृत शक्ति में। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस पर विश्वास करते थे वो मृत शक्ति पर विश्वास करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों कौन सा सिंधु स्थल था जो समुद्र पर स्थित नहीं था? सबसे पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है बालाकोट, ऑप्शन डी है कोटाद्रिजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोटाद्रिजी, ये जो था सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजादड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों मोहनजादड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? सबसे पहला इसमें ऑप्शन है विशाल स्नान नगर, ऑप्शन बी है विशाल अन्ना नगर, ऑप्शन सी है सभा भवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब, यदि आपको पता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें ऑप्शन ए जो हमारा विशाल स्नानागर जो था ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन के लोग जो नगरों में घरों के विन्यास के लिए जिस पद्धति को अपनाई थी, सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी है गोलाकार आकृति का, ऑप्शन सी है ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रिड पद्धति में जो था हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए इस पद्धति को अपनाया था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको PDF चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।